हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड कलेक्ट कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे। तो ये जानते हैं फ्रेंड्स, ब्लड कलेक्ट करवाने आते हैं पेशेंट की सबसे पहले जानकारी लेते हैं। जो ब्लड कलेक्ट करवाने आ रहा है वही पेशेंट है, और उस हमारे जो ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ ये टेस्ट अवेलेबल है नहीं, ये सब कन्फर्म होने के बाद में हम वाइल सेलेक्ट करते हैं कि EDT वाइल है या फिर प्लेन वाइल है, सोडियम सिट्रेट कंटेनिंग वाइल है, ग्रे वाइल है। वो सब सेलेक्ट होने के बाद में हम भी उस वाइल के ऊपर नंबरिंग लगाते हैं या नाम लिख लेते हैं पेशेंट का। नाम लिखने के बाद में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले जो सीरिंज होती है सीरिंज सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। वो सभी हमारे पास में ब्लड कलेक्ट करने वाले इक्विपमेंट अवेलेबल होने चाहिए। स्प्रिट स्टेलाइज करने के लिए आमतौर पर यूज़ करते हैं, जैसे कि टोनिकेट अप्लाई करते हैं। टोनिकेट अप्लाई होते ही फ्रेंड्स टोनिकेट लगाया, मुट्ठी बंद करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, मुट्ठी अंगूठा अंदर करके फिर बाद में स्टेलाइज करते हैं। ये पहले फील करनी है वेन को, फिर बाद में स्टेलाइज करना, या तो राउंड ऐसे घुमाओ या फिर ऊपर से नीचे, उसको एक ही जगह पर नहीं करना। फिर बाद में वापस क्लीन एरिया को टच नहीं करना है, क्योंकि वो फिर कॉन्टामिनेट हो सकते हैं। फिर बाद में जैसे ही ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप सीरिंज में आती है उसको टॉनिकेट को रिमूव कर लेना है। फिर बाद में धीमे धीमे इसको पीछे की ओर ड्रॉ कर लेना है। सीरिंज ड्रॉ होते ही आपको जितनी रिक्वायरमेंट है ब्लड की वो आते ही फिर बाद में वहाँ पर ये स्प्रिट वाला स्वाब नहीं लगा कर ड्राई स्वाब को वहाँ पर लगा लेते हैं वापस कॉटन। फिर बाद में पेशेंट को हाथ बंद करने के लिए, ये फ्रेंड्स इजी मेथड है या इजी प्रोसीजर है ब्लड कलेक्ट करने का। फ्रेंड्स ब्लड कलेक्ट होते ही फिर वैक्यूटेनरी ट्यूब होती है, इसके ऊपर ये इसके लगा लेते हैं, क्योंकि ब्लड अपना आप खींच लेती है, इसको पीछे से पुश नहीं करना है। पूरी जानकारी पेशेंट को दे देनी है, कब रिपोर्ट आएगी, कितने बजे आएगी, पूरे टाइम बताने के बाद में फ्रेंड्स अब महत्वपूर्ण ये है कि आपको क्या प्रिकॉशन रखनी है ब्लड कलेक्ट करते समय। फ्रेंड्स मास्क पहना हुआ होना चाहिए, ग्लव्स लगे हुए होने चाहिए, एप्रोन लगा हुआ होना चाहिए। अब मैं आप बोलोगे आप ग्लव्स क्यों नहीं पहने, तो फ्रेंड्स मुझे एलर्जी होती है, मैं जब भी करता हूँ पहनता हूँ, लेकिन इसमें क्या है गर्मियों में पूरे येलोइश कलर के हो जाते हैं, और फिर बाद में मेरे इतना उसमें मतलब पसीना इतना आता है पूरा पानी से भर जाता है, तो मैं इसीलिए अप्लाई नहीं किया, बाकी मैं पहनता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप ब्लड कलेक्ट करते हैं ग्लव्स पहने। टॉनिकेट होता है फ्रेंड्स वो एक मिनट से कम ही टॉनिकेट को अप्लाई करना है, ज़्यादा देर तक टॉनिकेट अप्लाई नहीं करना है। ब्लड कलेक्ट करते हैं वो मीडियल क्यूबॉइडल वेन से करते हैं, जो स्टेलाइज करते हैं वो स्प्रिट स्वाब करते हैं, वो पहले स्प्रिट स्वाब से करने के बाद में वापस उस वेन को फील नहीं करना है। पहले आप वेन को फील करोगे, फिर स्टेलाइज करोगे एरिया, फिर बाद में नीडल उसमें प्रिक करोगे। ऐसे नहीं पहले आप क्लीन कर लिया फिर बाद में वापस से उसमें टच करना, टच नहीं करना है आपको। स्टेलाइज करने के बाद में वहाँ पर क्लीन एरिया को टच नहीं करता, डायरेक्ट हम नीडल से ही प्रिक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे।